वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पैरट्स में। और दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे और आप लोग अपने बर्ड्स का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अहमदाबाद में टेम्परेचर 41 डिग्री के ऊपर जा चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, पानी आप टाइम टू टाइम चेंज करिए, मिट्टी के बर्तन में पानी दीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एक नई म्यूटेशन लाया हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि पैरट्स के ऊपर तो मैंने बहुत काम किया है, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जिसको हम बजीज बोलते हैं, लॉबर्ड्स के ऊपर काम किया है मैंने, कॉकटेल्स के ऊपर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की ब्रीडिंग सक्सेसफुल गई है, सभी को मैंने आजमा के देख लिया। अब मैंने सोचा ये थोड़ा हट के स्पैरो टाइप में जाते हैं, यानी कि फिंच वगैरह हो गई, जावा हो गई, इसके अंदर थोड़ा आजमाते हैं किस तरह से इसकी ब्रीडिंग वगैरह होती है। तो उसी में पहला कदम उठाते हुए मैं फिंच की कुछ पैर लाया हूँ, तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताता हूँ आपको सारी फिंचेस और उनका ब्रीडिंग सेटअप मैं छोटा सा किस तरह से बना रहा हूँ आपको, मैं वो भी बताता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन में बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन करिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत आ जाएगा और आप वीडियो को ओपन करके सबसे पहले देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं एक गिव अवे कॉम्पिटिशन भी रन करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं कुछ गिफ्ट रखूँगा आपके लिए, इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे ही बताऊँगा, अभी वो नहीं बता सकता मैं, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में आप लाइक ज़रूर कर दीजिए इसको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो फिंच की कुछ पैर जो मैं लेके आया हूँ, ज़ेब्रा फिंचेस है ये। जावा और जो जंबो फिंचेस होती है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं जो ज़ेब्रा फिंचेस होती है छोटी वाली उसके अंदर मैं आजमा के देखता हूँ किस तरह से इनकी ब्रीडिंग वगैरह होती है, क्या इनका रिज़ल्ट आता है, फिर इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। बजीज तो करते ही है और फिंच भी मैं रखूँगा आपसे। तो देखिए ये है वो, देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार पैर लग रही है ये, देखिए क्या ज़बरदस्त है, सब मिक्स कलर में, अल्बिनो फॉन है, ग्रे है और मिक्स कलर में भी है, थोड़े ब्लैक में है, ऑरेंज में भी है, देखिए ऑरेंज में है, देखिए बहुत शानदार शानदार पैर है। मैं आपको ओपन करके एक बार गेट दिखा देता हूँ, इसकी स्पीड फ्लाई की बहुत ज़्यादा होती है पर फिर भी कोशिश करेंगे हम। आवाज़ इसका बहुत प्यारा लगता है, एकदम शांत आवाज़ है। अगर आप 1000 भी रखोगे फिंचेस तो डिस्टर्ब आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है। बजीज पैरट जितना आवाज़ करते हैं उससे 2% भी आवाज़ नहीं करते, ये समझ लीजिए वो 100% करते हैं तो ये सिर्फ 2% ही करते हैं, बहुत शांत रहते हैं और बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। देखिए देख रहे होंगे आप, ये मैं 20 पैर लाया हूँ, 20 मेल और 20 फीमेल थे ये, लेकिन दिक्कत ऐसी हो गई कि फीमेल तो हमने सब पकड़ ली, मेल जब हम 20 पकड़ रहे थे तो 2 मेल जो है उड़ के चले गए, बहुत दिक्कत हो गई। तो इसीलिए मैं भी 2 मेल ला के छोड़ने वाला हूँ, इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा मेल मैं लाऊँगा और जो भी फीमेल के मेल उड़ गए होंगे इंशाल्लाह वो उनके साथ पेयरिंग हो जाएगी। बजीज की तरह नहीं है, बजीज तो एक मेल जो है 2 से 3 फीमेल को भी कभी कभी हैंडल कर लेता है, लेकिन फिंचेस के अंदर ऐसा होता है कि एक मेल के साथ एक ही फीमेल होती है, तो मुझे 2 मेल लाने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा। देखिए पानी वगैरह इसके अंदर मैंने रखा हुआ है, ये नहाते भी हैं समर सीज़न में, ये पानी के अंदर डूब के नहाते भी है, जिस तरह हम स्विमिंग पूल में बाकायदा कूदते हैं उस तरह से ये अंदर कूद के बाहर आएंगे, बहुत मज़ेदार होते हैं। और सीट फीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, खा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखिए बैठ के खा रहे हैं सब, कैमरा देख के थोड़ा अगर हाथ अंदर करेंगे तो एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे, ये बहुत घबराते हैं, बहुत स्पीड में भी उड़ते हैं, अगर इनको पकड़ना भी हो तो दिन के उजाले में बहुत प्रॉब्लम होती है, अंधेरा होने पर इनको दिखाई नहीं देता, रात को ही पकड़ना चाहिए इनको। देखिए तो ये रहे वो कुछ फिंचेस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अब इनको फ़िलहाल मैंने देखी, ये एक 2 फुट का केज है, उसके अंदर मैंने सबको मिक्स रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका ब्रीडिंग केज बता देता हूँ कि इसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ स्पेशल, आपको मैं वो बता रहा हूँ। देखिए ये फिंचेस के पीछे ही मैंने रखा हुआ है, ये 2 फुट का था, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और ये रहा 5 फुट का मैं केज बना रहा हूँ। देखिए इसके लिए यहाँ से वहाँ तक 5 फुट का मैं केज बना रहा हूँ, 5x2x2 होगा ये, हाइट 2 गहराई 2 और इसकी जो लंबाई है ये 5 फीट में रख रहा हूँ। ये केज मैं अपने हाथ से खुद बना रहा हूँ, लगभग इसका थोड़ा बहुत काम ही बाकी है, लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ से ओपन है, ये पतली वाली जो तार आती है उससे मैं इसको सीऊँगा, जिस तरह से सुई धागे से सीते उस तरह सीने के लिए ये पतली तार आती है, A to Z सब मैं खुद ही करता हूँ, पकड़ पाने वगैरह आपके आपको पता ही होगा, मेरे सारे टूल्स होते ही ऑलवेज़ अवेलेबल, सब मैं ही करता हूँ। ये देखिए
सब बाजू मैंने अच्छे से मोड़ दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ कोने में बाकी है, जहाँ जहाँ मैं मोड़ नहीं पाया वहाँ मैं तार से इसको सी दूँगा। सी के इसको प्रॉपर एकदम मटकी वगैरह लगा के, कुछ मैं टोकरियाँ भी लगा के फिक्स करूँगा, कुछ को मैं मटकी में ब्रीडिंग लूँगा, कुछ फिंचेस को मैं दोनों तरह आजमा के देखूँगा, मटकी में किस तरह ब्रीड करती है और टोकरी में किस तरह ब्रीड करती है, दोनों भी मैं आपको लगा के ये जो सेटअप पूरा कंप्लीट होगा वो मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको ब्रीडिंग सेटअप इसका बहुत अच्छा लगा होगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फिंचेस को इसके अंदर छोड़ूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फिंचेस को इसके अंदर डाला, फिंचेस की मटकियाँ और फिंचेस के नेस्ट बॉक्स जो होते हैं वो मैंने किस तरह लगाए, आपको वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।